ठीक है, इस नॉट के ब्लॉगिंग में यूट्यूब चैनल SLK ब्लॉग्स। आज हम लोगों ने परचेज किया है अल्पिनो का सुपर ओट्स चॉकलेट फ्लेवर। तो गाइस ये हम लोगों ने एक नया चीज ऑर्डर किया था जो कि आज डिलीवर्ड हो गया गाइस। इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ गाइस। वे प्रोटीन जो होता है वो हम लोगों ने परचेज किया जो कि काफी बेहतर है। तो मैंने इसका एक शार्क टैंक जो होता है, कंपनीज जो आते हैं, जो बड़े बड़े कंपनीज आते हैं, मैंने भी वहां देखा था। तो फिर इसके बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी चीजें पढ़ी, इस कंपनी को जाके मैंने गूगल में सर्च भी किया, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। नेचुरल जो हाई प्रोटीन होता है वो भी है इसमें। मैं जिम विम भी नहीं करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, बट ये प्रोटीन आप लोग कोई भी परचेज कर सकते हो। मतलब कि आपको जिम जाना ही पड़े ऐसा कुछ है नहीं कि आपको जिम जाना पड़ेगा तभी आप कोई प्रोटीन ले सकते हो। मैं पाउडर फॉर्म में तो किसी चीज को भी अभी नहीं ले रहा हूँ। मुझे अपने हेल्थ के लिए एक प्रोटीन चाहिए था, भूख को भी कंट्रोल में रखे, और इसमें प्रोटीन भर भर के गाइस बहुत ज्यादा कैलोरी है इसमें। और गाइस अल्पिनो के बारे में मैंने अच्छे से रिसर्च करने के बाद, इसे ओनली 15 डेज का एक पैकेज आता है, उसमें 1 मंथ का भी आता है और 2 मंथ का भी आता है। तो मैंने ओनली 15 डेज के लिए ट्रायल के लिए मंगाया है। टेस्ट कैसा है, मैं ओट्स तो बहुत सारे भी और भी मार्केट में मिलते हैं जिसमें बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होता है, बट ये चॉकलेट फ्लेवर है गाइस। चॉकलेट फ्लेवर होने की वजह से आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें शुगर होगा, बट इसमें मेंशन किया गया है 0 added sugar है गाइस, और 21% प्रोटीन भरा हुआ है इसमें पूरी तरह से, और टेस्टलेस भी नहीं है बिकॉज ऑफ इसमें चॉकलेट फ्लेवर है। ये मैंने ऑलमोस्ट 255 परचेज डिलीवरी चार्ज लगा के, जैसे कि इसमें एनर्जी फैट जो है 4451.2 कैलोरी है गाइस, फैट 16.3 है, कोलेस्ट्रॉल गाइस जो कि इसमें बैड चीज रहता है ना, कोलेस्ट्रॉल ये चीज बिल्कुल नहीं है, शुगर भी नहीं है इसमें, और इसमें ना गाइस बहुत सारी चीजें ऐसे ऐसी दी गई है। एक नॉर्मल ओट्स और नॉर्मल पिनो का जो ओट्स है उसमें क्या क्या डिफरेंस है सब कुछ इसमें मेंशन किया हुआ है। फाड़ के देखते हैं इसमें है क्या क्या चीज। तो सबसे पहले यहाँ से कट होगा, कट का है देखते हैं इसे कट करके। तो कट जा भाई, तो ये रहा गाइस, मैंने इसे कट कर लिया है। और गाइस इसमें मैंने सोचा था कि इसमें एक स्पून दिया गया होगा, बट इसमें स्पून नहीं है। तो आप लोग देख सकते हो ये कैसा है, मैं निकाल के भी दिखा देता हूँ। ये इस टाइप का है गाइस, पूरा चॉकलेट से, चॉकलेट पाउडर से घिरा हुआ है इसमें ओट्स, जैसा कि आप लोग चेक कर सकते हो। तो इसे अभी हम लोग बनाएंगे बहुत तगड़ा तरीके से, एक चख के भी देख लेता हूँ मैं। बहुत बेहतरीन, फुल चॉकलेट वाला फ्लेवर आ रहा है। तो गाइस इससे पहले हम लोग ना अब मेक करते हैं बहुत तगड़े तरीके से। तो गाइस हम लोग जैसे कि आप लोग देख रहे हो किचन पे आ चुके हैं, तो इसमें स्पून तो नहीं है 100 ग्राम को कैसे मेजर करें, बट कोई ना हम लोग एक अंदाजा ले लेते हैं। 100 ग्राम्स इतना हो जाएगा, 100 ग्राम्स काफ़ी है हम लोगों के लिए, ज़्यादा अभी हम लोग रात हो रहा है तो अभी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। मैं इसको 15 दिन के बाद आपको एक बार रिव्यू बता दूंगा, बट अभी टेस्ट के लिए हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें दूध मिक्स कर लेते हैं गाइस, जैसे 200 ग्राम में, 100 ग्राम में इतना दूध ऑलमोस्ट। हाँ गाइस इतना दूध काफ़ी है, गर्म करेंगे गाइस बनाएंगे। तो हम लोगों ने गैस ऑन कर दिया और इसे यहाँ रख दिया गाइस। हम लोग अच्छे से मिलाएंगे, देखते हैं इसका कैसा होता है सब कुछ। सो गाइज हम लोगों ने 10 मिनट तक वेट किया गाइज, तो अभी इसका इस टाइप का कलर आ गया है, बहुत ही तगड़ा तरीके से लग रहा है। सेंट भी बहुत अच्छा आ रहा है, फुल वो चॉकलेटी वाला वो नहीं होता, सेंट नहीं आता, सेम वैसा लग रहा है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी हो गया है। और हम लोगों ने अभी केला नहीं था घर पर, तो गाइज अंगूर और काजू को काट लिया है जो कि इसमें लास्ट में देंगे बनने के बाद। तो ऑलमोस्ट ये तैयार हो ही गया है। सो गाइज हम लोगों का ये ओट्स तो ठंडा हो गया बिल्कुल, अब इसमें हम लोग हल्का सा अच्छा अच्छा कर गार्निशिंग कर देते हैं पूरा बेहतरीन तरीके से, तो खाने में बहुत मज़ा आएगा और आप लोगों को टेस्ट करके बताएंगे। आप लोग इसमें बहुत सारी चीज़ें दे सकते हो अपने तरीके से, मेरे पास अभी जो जो अवेलेबल था मैं वो सारी चीज़ें दे दिया हूँ। तो ये है, और इसको अच्छे से मिला लेते हैं, ठीक है गाइज, तो टेस्ट काफ़ी बेहतर होगा इसके लिए। इसको मिला दिया और आपको अब मैं टेस्ट करके बताता हूँ गाइज, ठीक है गाइज। तो गाइज हम लोगों ने ओट्स को मिक्स कर लिया, जैसा कि आप लोग देख रहे हो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग भी रहा है। अब हम लोग टेस्ट करके बताते हैं कैसा है गाइज। सो मैं फर्स्ट स्पून लेता हूँ, कैसा लग रहा है इसको। काफ़ी बेहतर, बहुत ज़्यादा अच्छा। इसमें अगर केला मिला हुआ रहता ना गाइज और अच्छा टेस्ट आता, और भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जितना भी फ्रूट्स होता है उसको अगर मिलाया जाता तो और ज़बरदस्त बनता। और ऐसा खा रहा हूँ जैसे जैसे एक निवाला लिया तो ऐसा फील हो रहा है गाइस कि एनर्जी भर भर के जा रहा है, जेन्युइन बात बता रहा हूँ गाइस। और टेस्ट जो है इसका गाइस, जितना भी चॉकलेट इसमें लिखा हुआ है, जेन्युइन चॉकलेट का टेस्ट आ रहा है इसमें। और मैं फिर से एक बार एक निवाला लेता हूँ, बहुत टेस्टी यार, जबरदस्त जबरदस्त गाइस।
तो गाइज मैंने टेस्ट करके बता दिया और मेरा पहला रिव्यू था गाइज, जेन्युइन रिव्यू था, बहुत ज़्यादा टेस्टी है ये ओट्स। और इसमें इसको पानी देके भी खाया जा सकता है, इसको दूध से भी खाया जा सकता है। मैं अपने तरीके से खाऊंगा, मुझे दूध पसंद है तो मैं दूध के साथ खाऊंगा। अगर किसी को दूध पसता नहीं है तो वो पानी के साथ भी इसको बना सकता है गाइज। और अगर रेसिपी देखना हो तो यूट्यूब में भर भर के रेसिपी है कि नॉर्मल ओट्स भी, और नॉर्मल ओट्स के कंपैरिजन में बहुत ही बेहतर है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा गाइज। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एल्पिनो का हाई प्रोटीन सुपर ओट्स चॉकलेट फ्लेवर, आप लोग इसको एक बार ट्राई कर लेना। कैसा लगा आप लोग को ये प्रोटीन का वीडियो? सो गाइस मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखिए, अपने साथ अपने पेरेंट्स का, बाय गाइस।